ये दास्तां है उस हीरो की जिसने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम शुरू किया और फिर तकरीबन 100 फिल्मों में ये बतौर हीरो नजर आया। नाम विनोद मेहरा। चोट तो नहीं लगी? क्या हुआ? मुझे गिरा दिया और कहते हो क्या हुआ? छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं तो भागने जाओगी? तुम मुझे रोक भी सकते हो? हाँ, रोक सकता हूँ। कैसे? अपने जादू से। तो रोक के दिखाओ। तो तुम जाके दिखाओ। विनोद मेहरा साहब का जन्म 13 फरवरी सन 1945 अमृतसर में हुआ। 50 के दशक के अंत में और 60 के दशक की शुरुआत में ये बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आए कई फिल्मों में। 1958 की फिल्म रागनी से इन्होंने शुरुआत की थी, जिसमें इन्होंने किशोर कुमार के छुटपन का किरदार निभाया था। ऐसे ही कुछ छोटे मोटे रोल ये बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट करते रहे और उसके बाद जब ये बड़े हुए तो 1971 में फिल्म आई एक थी रीटा। ये एक अंग्रेजी नाटक पे आधारित थी। नाटक था अ गर्ल कॉल्ड रीटा। इस फिल्म में इनकी हीरोइन रही तनुजा। ये बात भी गौर करने लायक है कि 1965 में जब ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट हुआ था, जिसे यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ने करवाया था, उसमें हजारों कंटेस्टेंट्स के बीच में राजेश खन्ना नंबर 1 आए थे और विनोद मेहरा रनर अप यानी कि नंबर 2। शुरू तो हुआ था नाटक ही, पर अब ये मेरी जिंदगी बन चुका है। धीरे धीरे विनोद मेहरा का काम फिल्मों में बढ़ने लगा, चाहे वो फिल्म रही पर्दे के पीछे या फिर अमर प्रेम और लाल पत्थर। लाल पत्थर में तो कमाल ही हो गया था। इनके साथ राजकुमार, हेमा मालिनी और राखी जैसे दिग्गज कलाकार काम कर रहे थे। हालांकि राखी तो फिर भी नहीं थी, पर हेमा मालिनी और लेजेंडरी राजकुमार अपना एक वर्चस्व बना चुके थे। इस फिल्म में भी विनोद मेहरा ने बता दिया था कि इनके अभिनय में कितनी परिपक्वता है। और 1972 की फिल्म अनुराग, जिसे शक्ति सामंता साहब ने बनाया था, जिसमें इनकी हीरोइन थी मौसमी चटर्जी, इस फिल्म ने सब कुछ बदल के रख दिया। ये फिल्म बड़ी कामयाब हुई और विनोद मेहरा के संवेदनशील अभिनय को देखकर पब्लिक ने इन्हें दिल में बसा लिया। वो खत तुमने लिखा था, बिंदिया बेगुनाह थी, फरेब का नाटक तुमने किया और सजा मैंने बिंदिया को दी। रंजीत, सारी दौलत छिन जाने का मुझे कोई गम नहीं, लेकिन तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बहुत सारी फिल्मों में नजर आए, कभी मेन हीरो तो कभी छोटे भाई और हीरो के दोस्त के किरदार में। और बड़ी बड़ी मल्टी स्टारर्स में भी इन्होंने काम किया, जैसे कि जानी दुश्मन और नागिन। अनुरोध, अमरदीप और बेमिसाल जैसी फिल्मों के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेशंस भी मिले। 1985 में एक पंजाबी फिल्म मौजा दुबईदिया में भी इन्होंने काम किया। विनोद मेहरा के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो हमें पता चलता है कि इनकी 3 बार शादी हुई। कहने की बात यह है कि ऐसी बहुत सारी अफवाहें रही कि विनोद मेहरा के संबंध दूसरी औरतों के साथ भी रहे। इनकी शादी दरअसल मीना ब्रोका से हुई थी। ये एक अरेंज मैरिज थी। अपनी माँ के कहने पर इन्होंने अरेंज मैरिज तो कर ली, पर इस शादी के बाद विनोद मेहरा को दिल का दौरा पड़ा। जैसे इनकी तबीयत ठीक होने लगी, इन्हें अपनी पसंदीदा हीरोइन बिंदिया गोस्वामी से इश्क हुआ और उनसे शादी का इन्होंने फैसला किया। तब तक मीना ही विनोद मेहरा की बीवी थी, इसलिए शादी जरा नामुमकिन सी लगी। हाँ किशोर, मैं तो भगवान से ही मांगती हूँ कि हर जन्म में तुम्हारा और मेरा साथ बना रहे। ये खबरें भी सामने आई कि विनोद मेहरा और रेखा के संबंध प्रेम संबंध थे। फिल्म घर में इन दोनों की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। पर अपने एक इंटरव्यू में रेखा जी ने ये बात साफ कर दी थी कि विनोद एक अच्छा दोस्त था और कुछ नहीं, हमारी कभी शादी नहीं हुई। तेरी मेरी शादी तो नहीं हुई ना? कॉन्ट्रैक्ट तो यही है ना कि शालू की शादी तक तू मेरी पत्नी बनकर यहाँ रहेगी। हाँ। और शादी के बाद अपने पैसे लेके तू चली जाएगी। बराबर। तो फिर तू मेरे पलंग पर कैसे सो सकती है? 1988 में विनोद मेहरा की शादी हुई किरण से। इस शादी से इन्हें 2 बच्चे हुए, बेटी का नाम सोनिया और बेटा रोहन। पर दुख की बात यह है कि अभी बच्चे छोटे ही थे और विनोद मेहरा मात्र 45 बरस के ही थे कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा और ये दुनिया छोड़ चले गए। इनकी मौत के बाद इनकी बेवा बच्चों को लेकर कीनिया चली गईं, जहां पर बच्चों को बड़ा किया गया और इनकी बेटी सोनिया को लंदन भेज दिया गया उच्च शिक्षा के लिए। इनका बेटा रोहन भी जो है फिल्मों से ताल्लुक रखता है। 90 के दशक में विनोद मेहरा ने दरअसल डायरेक्टर बनने की ठान ली थी और एक फिल्म ये डायरेक्ट भी कर रहे थे, जिसका नाम रहा गुरुदेव। इस फिल्म में ऋषि कपूर, अनिल कपूर और श्रीदेवी को कास्ट किया गया था, पर विनोद मेहरा के अकस्मात निधन के बाद ये फिल्म 3 साल बाद रिलीज की गई। यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में विनोद मेहरा ने अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया।
महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।